हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की रेसिपी है मेरी पालक बड़ी की सब्जी। पालक बड़ी की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ तो चलिए देखते हैं। मैंने पालक बड़ी बनाने के लिए लिया है यहाँ पे एक आलू, एक टमाटर, 9-10 लहसुन की कलियाँ, 5 हरी मिर्च। आलू और टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। यहाँ में मसाला में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत जीरा और 2 सूखी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 6 बड़िया लिया है, उड़द दाल की मसाले वाली बड़ी है। और मैंने एक कटी यहाँ पे पालक लिया था, उसको धो के मैंने बारीक ऐसे काट लिया है। तो मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर दूंगी, फिर कढ़ाई को मैं बिठा दूंगी, कढ़ाई को मैं गर्म होने दूंगी थोड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मेरी कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं तेल ऐड कर दूंगी इसमें। तो तेल मेरा गर्म हो गया है, फिर मैं बड़ी को यहाँ पे फ्राई कर लूंगी। तो बड़ी को थोड़ा लाल होने तक फ्राई करना है। तो देखिए ऐसे पलट पलट के बड़ी को फ्राई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बड़ी जिस साइड हो गया है दूसरे साइड पलट दे रही हूँ कि दूसरे साइड भी फ्राई हो जाए अच्छे से। तो मैं बड़ी को निकाल लूंगी। देखिए मेरी बड़ी अच्छे से फ्राई हो गया और लाल हो गया है। उसी तेल में मैं जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दूंगी। फिर मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च भी मैंने ले लिया है यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च। उसको बीच से मैंने चीरा लगा लिया था, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। और ये टमाटर लिया था उसको भी मैंने ऐड कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद 2 मिनट तक मैं ऐसे फ्राई करूंगी। तो देख सकते हैं मेरा टमाटर अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें पालक ऐड कर दूंगी। तो मैं सारा पालक इसमें ऐड कर दूंगी और ये जो मैंने आलू कट करके रखा था उसको भी मैं डाल दूंगी। फिर मैं पालक को अच्छे से मिला लूंगी। टमाटर और हरी मिर्च लहसुन के साथ अच्छे से पालक को मिला लूंगी और 5 मिनट तक मैं ऐसे ही हिलाती रहूंगी। फिर 5 मिनट तक हिलाने के बाद देखिए पालक से पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी और जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। और धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। फिर इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी, मसाला को अच्छे से मिला लूंगी पालक के साथ। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। तो 2 मिनट तक मैंने मसाला को अच्छे से मिला लिया है। तो आप देख सकते हैं पालक में से पानी छोड़ दिया है। बड़ी को मैं अभी ऐड कर दूंगी। अब पालक के साथ बड़ी को भी अच्छे से मिला लूंगी। बड़ी मैंने अभी ऐड किया है कि बड़ी अच्छे से गल जाए। अब मैं 10 मिनट के लिए ढक्कन को ढक दूंगी।
तो 10 मिनट के लिए मैंने ढक दिया। 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन को हटा लूंगी, थोड़ा सा अच्छे से हिला लूंगी फिर से मैं इसको, पालक को। तो देख सकते इसमें काफी अभी तक पानी है, इसमें पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा, पालक में से ऐसे ही पानी निकलता है। तो अच्छे से मैं थोड़ा सा हिला लूंगी इसको, फिर से मैं 10 मिनट के लिए ढक्कन को ढक दूंगी। 10 मिनट के बाद फिर से मैं ढक्कन को हटा लूंगी। तो आप देख सकते हैं पानी काफी हद तक सूख गया है। तो फिर से मैं थोड़ा सा अच्छे से हिला लूंगी और चेक कर लूंगी कि आलू गला है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं आलू ठीक से गल गया है और बड़ी भी गल गया है अच्छे से। तो मैं अच्छे से मिला लूंगी। तो मेरी पालक बड़ी की सब्जी बनके रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। तो कैसी लगी है मेरी पालक बड़ी की सब्जी, कमेंट करके जरूर बताना और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।